हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे IGCAR में 248 पदों पर निकली सरकारी नौकरी के बारे में पूरी जानकारी। IGCAR यानी कि इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च ने कई पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिन पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 17 जून 2018। टेक्निकल ऑफिसर से लेकर स्टेनोग्राफर तक कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं, जिनके लिए इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि तय दिशा निर्देशों के आधार पर ही आवेदक अपने आवेदन करें, नहीं तो आवेदन अस्वीकार हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अप्लाई करने से पहले इन पदों के लिए मांगी गई जरूरी योग्यता, आयु सीमा, आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन शुल्क जैसी तमाम जानकारियों को आप जान लें। आइए अब आपको बताते हैं कि पदों के नाम किस प्रकार से हैं और उन पदों में भर्तियों की संख्या कितनी है। तो टेक्निकल ऑफिसर में 4 पद हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 13 पद रिक्त हैं, स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग कैटेगरी के लिए 83 पद खाली हैं, टेक्नीशियन के लिए 17 पद हैं, स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड के लिए 114 पद हैं, अपर डिविजन क्लर्क के लिए 7 पद हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड के लिए 10 पद खाली हैं और इस प्रकार से कुल भर्तियों की संख्या है 248। अब आते हैं शैक्षिक योग्यता। तो पदों के अनुसार शैक्षिक योग्यता कुछ इस प्रकार से होगी। टेक्निकल ऑफिसर के लिए इस पर 3 वर्ग हैं, आर्किटेक्चर, सिविल और सेफ्टी, जिनके लिए 60% अंकों के साथ आर्किटेक्चर विषय में डिग्री होना आवश्यक है। सेफ्टी इंजीनियरिंग में 60% नंबरों के साथ BEME में डिग्री होना भी आवश्यक है। वही बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट पद के लिए, तो सिविल आर्किटेक्चर और सेफ्टी जैसे वर्गों पर आधारित इस पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, आर्किटेक्चर में डिप्लोमा और 4 साल के अनुभव की भी जरूरत है। इसके अलावा सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। वही स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए टेक्नीशियन और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी वर्गों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित करी गई है, जिनकी जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 7 वैकेंसी है, जिसके लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ डिग्री धारक होना जरूरी है। इसके अलावा कंप्यूटर और इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की बात करें तो 50% अंकों के साथ 10वीं पास, 80 WPM अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में और इंग्लिश टाइपिंग में 30 WPM होने चाहिए। अब बात आती है पद के अनुसार वेतनमान किस प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए 56,100 रुपये है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 44,900 है, टेक्नीशियन के लिए 25,500 रुपये है, टेक्नीशियन बी के लिए 21,700 रुपये है, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 25,500 है, स्टेनोग्राफर पद के लिए 25,500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अब बात करें इन पदों के अनुसार आयु सीमा। तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए अधिकतम 26 साल है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अधिकतम 30 साल है, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी के लिए 24 साल है, टेक्नीशियन के लिए अधिकतम 27 साल है, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड के लिए अधिकतम 22 साल है, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अधिकतम 25 साल और स्टेनोग्राफर पद के लिए अधिकतम 28 साल तय की गई है। अब बात आती है कि आवेदन किस प्रकार से करना है या फिर आवेदन प्रक्रिया क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि आवेदन प्रक्रिया 18 मई से शुरू हो चुकी है, तो 18 मई 2018 से लेकर 17 जून 2018 तक इन पदों के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और होम पेज ओपन होते ही रिक्रूटमेंट का ऑप्शन खुलेगा, जहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। आपको बता दें कि आप एक से ज़्यादा पदों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे आखिर में आती है चयन प्रक्रिया कि अभ्यर्थियों का चयन किस प्रकार से होगा। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया होगा उनका चयन प्रीलिमिनरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट, लिखित परीक्षा, ट्रेड स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती से रिलेटेड आगे आने वाली और भी जानकारी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।